कहंदे मैं तेरा प्यो वा ओए तू मेरा पुत्र है। अब नून लीग फंस गई है तोशा खाना करते करते। वो तो शुरू तो फंसी पई। ओ कहंदे जी कोर्ट ने कहा कि अब सारे आ जाओ। चंगा कहंदा ना कोर्ट कहंदा सारे साफ दियो जिन्ने भी पुराने चोर आज। अब नून लीग नहीं जा रही है। मेरी बात सुने वो ना जाएंगे, वो पहले से ही करप्ट है। आपको पता है वो पहले से ही करप्ट है, उनका खानदान ही करप्ट है। मैं खुल के कहूंगा असी वोटा पावांगे ते एक कंजर बढ़नगे ना। जे वोट ही नहीं पावांगे ते कित्थों बढ़नगे। जिने मारा ना लाती चौधरी परवेज लाई ने, उन्हें क्या हो जाओ सीते मैं भी तुहाडा प्यो हां। ओए उड़ा सामने मेरे। ओए नून लीग का पैगाम मेरा यही है कि सच्चाई का सामना करें। अपना साफ दे। अरे बाबा वेरी गुड बात है, सच्चाई का सामना करें। राती अब्बा जी ने किया है, परवेज राय ने क्या गद्दार है। वैने कुछ भी नहीं करना पाकिस्तान वास्ते। यार नून लीग को क्या पैगाम दूं मैं, एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में। लेकिन पैगाम दे दे। पैगाम यही है सब सीधे हो जाएं चोर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन पिंडी में आया हूँ, तो पिंडी में जब मैं आता हूँ तो पिंडी के लोगों से भी बात करनी होती है। बहरहाल न्यूज़ मेरे पास ये है कि जरताज गुल साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने तो तोशाखाना में जो भी केस था वो क्लियर कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला किया है। कोर्ट ये कह रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है और जितने भी लीडर आए हैं जिनको भी तोशाखाना में जो कुछ मिला है वो सारे आकर हिसाब दें। अब नून लीग जो है वो इससे घबरा रही है, नून लीग हिसाब नहीं दे रही तोशाखाना का। आइए लोगों से बात करते हैं कि नून लीग को अब क्या डर है, जो इमरान खान क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। जाकर हिसाब दे, देना तो पड़ेगा भैया। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बारे में बात नहीं करता, मुझे नहीं पता है किस के बारे में। नहीं पाते हैं ये बूटों के बारे में, नहीं पाते तो रेडी लगा के क्यों काट रहा है जब पता ही नहीं है तो आपको। नहीं मैं इसके बारे में काम करता हूं। नहीं तोशाखाना के बारे में मुझे कोई पता नहीं। तोशाखाना के बारे में नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जिसने तोशाखाना का माल खाया वो सारा हाजिर हो जाए, हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब नून लीग क्यों नहीं दे रही हिसाब? अब जिन्होंने खाया वो देना, मैं तो नहीं दे सकता, मुझे तो नहीं पता, मैं इसके बारे में जानता हूं। बिल्कुल सही है, तुमने तो सुबह का खाना नहीं खाया है। नहीं फिर भी जो कोर्ट ने फैसला सही किया है ना, अब जब से पाकिस्तान बना सब आए। हाँ सही किया है, क्यों नहीं, ये सबका एहतसाब होना चाहिए। ये सरताज गुल ने कहा कि अब क्लियर कर दिया, इमरान खान तो क्लियर हो गया, सारे आने चाहिए। ये हमारा अदारा इस वक्त हर अदारा करप्ट है। हाँ। हर अदारे में करप्शन चल रही है। बिल्कुल सही बात। चपरासी ले से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं सब करप्ट हैं। सब करप्ट। हमारा सारा का सारा एहतसाब होना चाहिए, हर एक का एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, कोर्ट का फैसला बेहतरीन फैसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ले लीजिए जैकेट, नहीं रहे ना पजामा लैन तो ट्रोजर ले। अच्छा ट्रोजर। अच्छा ये ही नहीं पता लग रहा है ट्रोजर है पैंट है, क्या है इसका नाम? ये ट्रोजर भी है पैंट भी है। ये ट्रोजर भी है पैंट भी है, मतलब ये दो चीजों का काम इकट्ठा कर रही है जी। ट्रोजर अच्छा ट्रोजर अलग है पैंट अलग है जी। ये बात हो रही है, वो देखो सामने से कुछ आ रहा है, इधर आ जाए। ये ब्रेक बगैर ब्रेक वाली गाड़ी आ रही है। खैर ब्रेक के बगैर वाली गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी आ रही है। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम एजाज। अच्छा जी एजाज भाई, क्या कहते हैं कि देखें इमरान खान साहब तो तोशा में तोशा खाना के जो मामले थे उसके अंदर क्लियर हो गए, जब से पाकिस्तान बना जिस जिस लीडर ने भी तोशा खाना के ताइफ लिए हैं वो सारे आके हिसाब दें। वो तो साहब देना पड़ेगा हिसाब। तो देना पड़ेगा साहब, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब ये नून लीग क्यों घबरा रही है हिसाब देने से? नून लीग तो अपने जो है करप्शन में लगी है, वो कह रही है कि मैं ऐसे मेरी हुकूमत ना जाए चला जाए या ऐसे मामला ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, देखो ना डर रहे नून लीग वाले। अब वो अपने जो है ना, अब उनके भी तोहफे निकलेंगे इंशाल्लाह। जो नून लीग वाले हैं या पीपल पार्टी वाले हैं जितने भी हैं सभी अपनी सीट की खातिर कर रहे हैं। आए आए कोई किसी की बचना किसी ने भी नहीं। अब तोशा खाना से गरीब आवाम की कोई नहीं। ये जो तोशे खाते रहे हैं ना ये सारे निकालने पड़ेंगे इंशाल्लाह। आवाम निकालेगी बिल्कुल ऐसे ही। आवाम को ठीक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इन्हें मारा ना लाती चौधरी परवेज लाई ने, उन्हें क्या हो जाओ सीते मैं भी तुहाडा प्यो हां। ओए उड़ा सामने मेरे। ओए कहंदा इमरान खान ना कर से इस तरह नहीं गल्ला, कहंदा मैं तेरा प्यो वा ओए तू मेरा पुत्र है। ओए प्यो नाल इस तरह नहीं करीदा, ओए प्यो प्यो होंदे ते पुत्र पुत्र होंदा। ओए मैं तन्नू हस नहीं, ओए हसन दा टाइम गुजर गई। ओए इमरान
खान तो तोशा खाना के केस में क्लियर हो गया है, यानी उन्होंने तो हिसाब दे दिया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब कोर्ट ने ये कहा है, बात सुन ले, कोर्ट ने ये कहा है कि जब से पाकिस्तान बना है जितने लीडर आए हैं सारे कोर्ट में शामिल हो जाए, सारे आकर हिसाब दें। अब नून लीग जो है वो डर रही है, नहीं जा रही है। पाकिस्तान जो मुल्क दिया कोटा नु छोड़ो, उतली कोर्ट नु कोर्ट जवाब देसी। राती अब्बा जी ने किया है, परवेज राई ने क्या खदार है, वो इन्हें कुछ भी नहीं करना पाकिस्तान से, पाकिस्तान से करना थे गरीब अवाम ने करना, असी वोटा पावांगे थे एक कंजर बढ़न के ना, जे वोट ही नहीं पावांगे थे कितों बढ़न गे, वो साड़ी वोट दा मुल दे पहले, वो साड़े नाल पर वो प्यो दा पुत्र दे सामने आके गल कर, वो मैं के ना ना कर, वो ना कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम। फेर रहे हो आज भी डोई? हाँ जी, सारी जिंदगी डोई फेरी जे। हाँ जी, तुहानू पता किते किते फिर रही डोई? सारे पासे ही फिर रही है, सारे पासे ही फिर रही है। अब देख लो अद्धा ढिड तुहाडा रेहड़ी ते आया है, तुहाडा भी आ जाएगा, तुसी खाया करो। नहीं मैं ना खाया करो, हक लाल दा इन्ना हुंदा जे। अच्छा, ए हराम खा खा के इंज वद्दे ते 150 रुपया दियो ना कलयो ते, वेखो ना 150 रुपया कह रहे दियो। हां जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? इजाज। इजाज भाई, मुझे ये बताइएगा, ये जो खान साहब पे तोशा खाना का वो मामला चल रहा था, जरदाद गुल ने कहा कि इमरान खान ने तो हिसाब दे दिया है, अब कोर्ट का ये फैसला है कि जब से पाकिस्तान बना है अब ये सारे आकर हिसाब दें तोशा खाना में, जिसको भी जो गिफ्ट मिला है, नून लीग अब डर रही है नहीं जा रही है, क्या मसला हो गया? देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तो एक पैगाम दे दें नून लीग को जरा। नून लीग का पैगाम मेरा यही है कि सच्चाई का सामना करें, अपना हिसाब दें। अरे वाह वाह, वेरी गुड बात है, सच्चाई का सामना करें, अपना हिसाब दें, जितने लीडर आए हैं सारे आ जाए, जिन जिन को भी तोहफे मिले हैं वो आकर हिसाब दें अपना। देना चाहिए, देना चाहिए हिसाब, अवाम का मामला है, अवाम का पैसा है, जाकर हिसाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अब नून लीग फंस गई है तोशा खाना करते करते, वो तो शुरू तो फंसी पई, वो कहंदे जी कोर्ट ने कहा कि अब सारे आ जाओ, चंगा कहंदा ना कोर्ट, कहंदा सारे हिसाब दियो जिन्हें भी पुराने चोर आज क्यों चोर चोर खरी जाते सब कुछ खरी जाए आए आए, और मैं तो ये रहा ना, बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत सी, और डीजल भी बोल रहा सी, सरदारी का पुत्र भी बोल रहा सी, शबाज शरीफ भी बोल रहा सी, बिल्कुल सही कहना सी, 10 रुपए की रोटी तो 15 रुपए का नान ते नवा पाकिस्तान, हूं तो 20 रुपए की रोटी 30 रुपए का नान ते पुराना पाकिस्तान, क्यों नहीं गुरु बंद मुकती यार, बहुत अच्छी बात है सर, क्या आप इत्तफाक करते हैं इनकी बातों से? सर हम तो यही कहेंगे, इंशाल्लाह हम पहले भी इमरान खान को सपोर्ट करते थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का। अब ये जो तोशा खाना का मामला था, ये बड़ा तोशा खाना करते थे, अब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भी अब सारे ही आ जाओ, सर आप माइक मेरे हाथ में नहीं है तो सर मैं पहले खुल के बता दूं आपको, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के खिलाफ पहले भी मुकदमे हुए, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान में क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही, पास रखे खाने का मसला आ गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने फैसला दे दिया, ये जितने भी चोर है मेरी बात सुने वो ना जाएंगे, वो पहले से ही करप्ट है, आपको पता है वो पहले से ही करप्ट है, उनका खानदान ही करप्ट है, मैं खुल के कहूंगा, मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि चोरों के साथ हम ना कल खड़े थे ना आज खड़े, अरे क्या बात है, का हम सपोर्टर हैं इंशाल्लाह, दिलो जान से इमरान खान के साथ देंगे, बिल्कुल सही है, तो नून लीग को कौन अब कोर्ट जाए, ये तोशा खाना ये नून लीग तो मुल्क से बाहर भागती जा रही है, अब ये इनकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, ये इलेक्शन करें ना फिर इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे, फिर बता देंगे कि मुल्क से कैसे फरार हो जाते हैं, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके चले गए थे ना, अब वो वापस क्यों नहीं आ रहे, आए ना अगर वो चोर नहीं है तो पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है, अब जाके तोशा खाना के सारे हिसाब, ये तोशा खाना का क्या, ये उन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया, ये तोशा खाने की बात कर, आए आए पूरे पाकिस्तान, तोशा खाने से कितने वो लेके गए, ओए ओए किसी को पता नहीं, ये भाई आज बच्चों को भी पता है कौन चोर है कौन मुखलिस है, ये सबको पता है, एक पैगाम दे दे नून लीग को जरा,
नून लीग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में राणा सनाउला जो चोर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो चोर जो फिरते हैं ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में अवाम इनको बता देगी कि ये चोरों का बिल्कुल इंशाल्लाह सफाई होगा पाकिस्तान से इंशाल्लाह। आप ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है कि सबको जाकर हिसाब देना चाहिए? बिल्कुल सबको देना चाहिए, सब जो भी सोशल है वो अवाम इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट करे और आगे आए। बस एक ही पैगाम है यार, खुदा रहा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पाकिस्तान में वो आना चाहिए जो भी काबिल है, सिर्फ अवाम के बारे में सोचे, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचे, और पाकिस्तान जैसा पूरी दुनिया में कोई ममालिक नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ साडा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक नून लीग को पैगाम तो दे देना थोड़ा सा यार। नून लीग को क्या पैगाम दूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में, लेकिन पैगाम दे दे। पैगाम यही है, सब सीधे हो जाएं चोर। थैंक यू जी, बहुत महाराज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए हैं, सरताज गुल का जो बयान था बिल्कुल ठीक था, अब सबको जाना पड़ेगा, सब जाकर हिसाब दें, कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है कि सब आ जाएं भाई, सब आकर हिसाब दें और सब अपने आप को क्लियर कर लें, इसमें बात कौन सी है। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलेजारी मत कीजिएगा, इज्जत इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मचके चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुतरा आपके साथ है, क्योंकि सुतरा आपके साथ है, साथ है ट्रोजर भी। अल्लाह।